आज आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारी के बैनर तले धरना दे रहे कर्मचारियों ने डीसी के मार्फत सीएम को ज्ञापन भिजवाया, जिसमें उन्होंने मांग की कि उनका वेतन उन्हें दिया जाए और निलंबित मांगों को पूरा किया जाए। इसी को लेकर कर्मचारियों ने धरना दिया। वहीं भारतीय मजदूर संघ के मीडिया प्रभारी विजय कुमार बाली ने कहा कि आउटसोर्सिंग एनएचएम कर्मचारियों की मांग कई सालों से लंबित पड़ी है, जिसको सरकार ने पूरा करने के लिए एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग के दरमियान इस बात को रखा गया था, लेकिन वो आज तक मांगे पूरी नहीं हो पाई है। और ये इस डिपार्टमेंट में नहीं है, बल्कि हरियाणा का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां कर्मचारियों का शोषण नहीं हो रहा हो। आउटसोर्सिंग एनएचएम कर्मचारियों की मांगे कई सालों से पेंडिट पड़ी हैं और जिसको सरकार ने पूरा करने के लिए बहुत पहले मीटिंगें करके मान भी ली थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई है। और ये इस डिपार्टमेंट में नहीं है, हरियाणा का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे कच्चे कर्मचारियों के साथ शोषण नहीं हो रहा हो। मैं सबसे पहले शुरुआत हेल्थ डिपार्टमेंट से करता हूँ। यहाँ पर आउटसोर्सिंग में एक प्रथा चलाई थी सरकार ने आज से, और जिसका मकसद था क्वालिटी को बढ़ाना। आउटसोर्सिंग के अंदर इसलिए रखा गया था कि सरकार को लग रहा था कि लोग परमानेंट हो जाते तो वो क्वालिटी नहीं दे पाते, तो उन्होंने एक आउटसोर्सिंग पॉलिसी बनाई जिसके अंदर उन लोगों को रखा जाए जो ज़्यादा क्वालिफाइड हो, ज़्यादा नॉलेज हो और जो एफिशिएंट हो। और उसको जब लागू करा गया तो सब ने उम्मीदें रखी थी कि इससे हमारी क्वालिटी बढ़ेगी, हमारे प्रदेश की क्वालिटी बढ़ेगी। और ऐसा देखा भी गया कि वो 7-8 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने काम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। आज तक भी उनकी कोई एक कंप्लेंट नहीं आई है जिसके कारण उनको निकाला जाए। पर सरकार ने अभी 4 महीने पहले आउटसोर्सिंग का ठेकेदार बदल दिया। आउटसोर्सिंग का ठेकेदार बदलने से ही शोषण और भ्रष्टाचार का उजागर होने लगा पूरे हरियाणा के अंदर। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने आउटसोर्सिंग के ठेकेदार को बदला है और ये ठेकेदार पुराने लोगों की नौकरी छीन रहे हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने मांग की कि कोरोना काल में जितने भी कर्मचारी हैं उनको उनका वेतन और उनकी मांग पूरी करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।